नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा का मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में लेक्चरर हूँ। साथियों, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के EL सेकंड ईयर के सिलेबस कोड नंबर 206 वेव प्रोपोगेशन कम्युनिकेशन सिस्टम की चैप्टर एंटीनास का अरेज जो चैप्टर इस टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। अरेज डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एंटीना के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। साथियों, किसी भी कम्युनिकेशन की जो मेन दूरी होती है वो चैनल होता है, और उस चैनल के अंदर जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट और रिसीव किए जाते हैं चैनल के थ्रू। लेकिन ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंटीना। साथियों, एंटीना एक ट्रांसड्यूसर होता है जो कि सिग्नल को वायर्ड से गाइडेड मीडियम से अनगाइडेड मीडियम में ट्रांसमिट करता है। बेसिकली कम्युनिकेशन वायरलेस और वायर्ड दो भागों में बांटा जाता है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर एंटीना यूज़ होते हैं। तो एन एंटीना कि अगर हम डेफिनेशन करें, बात करें, तो एन एंटीना व्हेन इंडिविजुअली कैन रेडिएट एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन रिजल्टिंग इन बेटर ट्रांसमिशन। हाउ इट वुड बी इफ फ्यू मोर एलिमेंट्स आर एडेड इट टू प्रोड्यूस मोर एफिशिएंट आउटपुट। यानी एक एंटीना वैसे तो सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए यूज़ होता ही है, एनर्जी को ट्रांसमिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए यूज़ तो होता ही है। लेकिन एंटीना अरे के अंदर अगर हम कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी है, जो रिसेप्शन क्वालिटी है, जो ट्रांसमिशन क्वालिटी है, वो बेटर हो सकती है। इन एलिमेंट्स को जोड़ने के बाद में जो एंटीना बन के आता है उसे हम एंटीना अरे कहते हैं। एन एंटीना अरे इज़ ए रेडिएटिंग सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल रेडिएटर्स एंड एलिमेंट्स। एंटीना अरे के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल रेडिएटर्स, जो रेडिएटर्स क्या होते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेडिएटर्स होते हैं। बेसिकली डाइपोल्स हम एंटीनाज में यूज़ करते हैं, एंटीना अरेज में यूज़ करते हैं। अब ये एंटीना अरेज काफ़ी तरह के होते हैं, एंड फायर अरे, ब्रॉडसाइड अरे, पैरासिटिक अरे, एक यागी-उडा अरे भी होता है। आज हम एंड फायर अरे को डिस्कस करेंगे। क्या होता है एंड फायर अरे? एंड फायर अरे का जो शेप होता है या अरेंजमेंट होता है, डाइपोल अरेंजमेंट होता है, वो सेम होता है हमारे ब्रॉडसाइड अरे की तरह ही। लेकिन एक डिफरेंस ये होता है उसमें और इसमें कि जो ब्रॉडसाइड अरे होता है उसके अंदर तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें सेम फेज के अंदर करंट फ्लो करता है, लेकिन इसमें एंड फायर अरे के अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होता है हर एलिमेंट में सेम होता है, लेकिन सबके अंदर आपस में एक दूसरे से 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ये इसका अरेंजमेंट हम देख सकते हैं, ये डाइपोल्स है जो एक दूसरे से 1/2 वेवलेंथ से डिस्टेंस्ड होते हैं हम। यानी 1/2 वेवलेंथ से क्या मतलब है कि जिस भी वेवलेंथ पर हम हमारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट या रिसीव करना चाहते हैं उस वेवलेंथ के सिग्नल्स की जो वेवलेंथ होती है उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इनकी जो साइज एंड डिस्टेंस होती है वो मेजर की जाती है। 1/2 यानी दो एडजेसेंट डाइपोल्स हमारे 1/2 ऑफ द वेवलेंथ से स्पेस्ड होते हैं। ये इसका रेडिएशन पैटर्न होता है। रेडिएशन पैटर्न से हम देख सकते हैं कि ये जो एंटीना है ये बाई डायरेक्शनल एंटीना है, और रेडिएशन पैटर्न से नीचे ये जो स्लाइड में हमने देख सकते हैं कि λ/2 की स्पेसिंग है। ये साइड व्यू है, ये एंटीना का नीचे साइड व्यू है और ऊपर हम देख सकते हैं इसका रेडिएशन पैटर्न। तो रेडिएशन पैटर्न साफ दिखा रहा है कि जो एक्सिस, जिस एक्सिस पर ये एंटीना है उस एक्सिस के 180 डिग्री पर इसके दोनों तरफ हमारा जो एंटीना है उसके रेडिएशन पैटर्न्स बनते हैं। यानी ये बाई डायरेक्शनल एंटीना होता है एज ए जनरल। तो जो एंटीना होता है एंड फायर अरे वो एक बाई डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न होता है जिसकी बीम विड्थ नैरो होती है और गेन भी लो होता है। लेकिन
इसके अंदर हम ये चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो टू डाइपोल्स है वो आपस में एक दूसरे से लैम्डा बाई टू डिस्टेंस पर होंगे और जो रेडिएशन पैटर्न है वो सेम प्लेन में होगी, जिस पे ड्रिवन एलिमेंट लगा हुआ उसी सेम प्लेन के अंदर इसका रेडिएशन पैटर्न होगा। जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम इसको बाई डायरेक्शन से यू डायरेक्शन बना सकते हैं अगर हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑप्टिमल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज़ किए हैं और उनकी स्पेसिंग हमने अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर रखी है, तो हम इसको हाईली यूनिडायरेक्शनल एंटीना के अंदर भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। साथियों, जो एंड फायर एरे होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि इसमें हाई डायरेक्टिविटी होती है, डायरेक्टिविटी हाई होती है क्योंकि हम इस बेसिकली, वैसे तो हमने डिस्कस किया कि वाई डायरेक्शनल होता है लेकिन ऑप्टिमल नंबर ऑफ एंटीना एलिमेंट्स हम यूज़ करके और इसके अलावा उनके अप्रोप्रिएट डिस्टेंस को मेंटेन करके हम इसको यूनिडायरेक्शनल बना सकते हैं, तो इट हैज़ हायर डायरेक्टिविटी। सेकंड जो है वो कि ये रिसेप्शन में बहुत अच्छे, क्योंकि रिसेप्शन में अच्छा काम करता है क्योंकि ये हाईली डायरेक्टिव एंटीना एरे होता है। तीसरा है, फॉर दिस एरे इम्पीडेंस मैचिंग इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हाई पावर ट्रांसमिशन। हाई पावर ट्रांसमिशन की जहां हम यूज़ होगा, जहां हम यूज़ करना चाहते हैं वहां इसको हम यूज़ थोड़ा नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो इम्पीडेंस मैचिंग है वो डिफ़िकल्ट होती है इसमें।